हेलो फ्रेंड्स, आज मैं बात करने जा रहा हूँ बहुत ही छोटी सी डिवाइस लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट डिवाइस, खासकर इस कोरोना पैंडेमिक में। इसे पल्स ऑक्सीमीटर कहते हैं। आज मैं आपको बताऊंगा बच्चों में इसे यूज़ करने का सबसे सटीक तरीका एंड उन खास सावधानियों को जिसे आपको बरतनी है इसे यूज़ करते वक्त। तो सबसे पहले एक बात आप जान लीजिए, अगर आपका बेबी राइट हैंडेड है तो इसे राइट हैंड में ही यूज़ करें, अगर आपका बेबी लेफ्ट हैंडेड है तो इसे लेफ्ट हैंड में ही यूज़ करें। बच्चों में इसकी सबसे अच्छी रीडिंग मिडिल फिंगर में आती है। अगर आप मिडिल फिंगर को किसी कारणवश नहीं यूज़ कर पा रहे हो तो आप बच्चों के थंब में भी इसे यूज़ कर सकते हो। और एक सबसे अच्छी बात यह है, अगर आप बच्चों के हैंड्स में यूज़ नहीं कर पा रहे हो तो आप बच्चों के पैर में भी यूज़ कर सकते हो, पैर के ग्रेट टो में। अब जान लेते हैं उन खास बातों को जो आपको ध्यान में रखनी होती है इसे यूज़ करते वक्त। सबसे पहला, हैंड्स आपके बिल्कुल वॉश्ड होने चाहिए एंड क्लीन होने चाहिए। किसी भी तरीके की गंदगी लगी नहीं होनी चाहिए, धूल मिट्टी नहीं होना चाहिए, नेल्स के ऊपर नेल पेंट नहीं लगा होना चाहिए एंड ये बिल्कुल सूखा सा होना चाहिए। दूसरी बात, आप देखोगे जब भी आप पल्स ऑक्सीमीटर यूज़ करते हो, ऑन करते हो, तो अंदर से एक रेड लाइट ब्लिंक करता होता है, तो आप अपने पल्प को इस रेड लाइट के ऊपर रखोगे, ना कि आप अपने नेल को इसके ऊपर रखोगे। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरी चीज़ आप ये देख लो, जब भी आप इसे रीड करते हो तो रीडिंग आपके हार्ट के लेवल पे होना चाहिए। ऐसा ना हो कि आपने ये लगा तो लिया बट इस तरीके से आप रीड कर रहे हो, नो, ये आपके हार्ट के लेवल पे होना चाहिए। एंड ड्यूरिंग रीडिंग कुछ एक सपोर्ट, फर्म सपोर्ट होना चाहिए नीचे इस तरीके से। तो इन सब बातों को आप ध्यान में रखें। प्लस जाते जाते एक बात और आपको बोलकर जाऊंगा, जब भी आप इसे रीड करें तो प्लीज़ 1 मिनट तक कम से कम रीड करें। थैंक यू।